बच्चों आज हम पोयम सीखेंगे जिसका नाम है मीठे बोल। क्या नाम है पोयम का? मीठे बोल। मीठा होता खस्ता खाजा, मीठा होता खस्ता खाजा, मीठा होता हलुआ ताजा, मीठा होता हलुआ ताजा, मीठे होते गट्टे गोल, मीठे होते गट्टे गोल, सबसे मीठे मीठे बोल, सबसे मीठे मीठे बोल, मीठे होते आम निराले, मीठे होते आम निराले, मीठे होते जामुन काले, मीठे होते जामुन काले, मीठे होते गन्ने गोल, मीठे होते गन्ने गोल, सबसे मीठे मीठे बोल, सबसे मीठे मीठे बोल, मीठा होता दाख छुहारा, मीठा होता दाख छुहारा, मीठा होता शक्कर पारा, मीठा होता शक्कर पारा, मीठा होता रस का घोल, मीठा होता रस का घोल, सबसे मीठे मीठे बोल, सबसे मीठे मीठे बोल, मीठी होती पुआ सुहारी, मीठी होती पुआ सुहारी, मीठी होती कुल्फी न्यारी, मीठी होती कुल्फी न्यारी, मीठे रसगुल्ले अनमोल, मीठे रसगुल्ले अनमोल, सबसे मीठे मीठे बोल, सबसे मीठे मीठे बोल। इस पोयम से आप लोगों ने क्या सीखा? पोयम में एक शिक्षा दी गई है, कौन बताएगा? नहीं नहीं, पोयम की जो शिक्षा है वो ये है कि दुनिया की किसी भी चीज से मीठी क्या होती है? आपकी वाणी, जो आप बोल बोलते हो वो उसमें मिठास होनी चाहिए। वो हर चीज से मीठी होती है, हलवे से भी मीठी होती है, आम से भी मीठी होती है, जामुन से भी ज्यादा मीठी होती है, गन्ने शक्कर और कुल्फी रसगुल्ले ये सब चीजें मीठी होती है ना। लेकिन इन सबसे ज्यादा मीठी क्या चीज होती है? हमारे बोल, जो हम बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे बोल में मिठास होनी चाहिए। मिठास कैसे होगी? जब आप किसी से अच्छे से बोलोगे तब मिठास होगी, या लड़के बोलोगे तब होगी? बताओ मानवी, अच्छे से बोलोगे है ना, प्यार से बोलोगे तब उस आपकी बोल में मिठास होगी, जो कि दुनिया की हर किसी भी चीज से ज्यादा मीठी होती है और ज्यादा सुख देती है, ठीक है।